टीम अंबाला हेल्थ केयर की जानिब से अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज शब बरात के हवाले से एक बहुत ही खास अमल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसको करने से आप अल्लाह पाक से जिस चीज की दुआ मांगेंगे, जिस चीज की तलब करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर जायज हाजात को, हर मकसद को पूरा फरमाकर, आपकी दुआ को पूरा फरमाकर इंशाल्लाह आपको वो सब कुछ अता फरमा देंगे जो आप अल्लाह पाक से आज की इस बहुत ही मुबारक रात में मांगेंगे। शबानुल मुअज्जम की मुकद्दस और बाबरकत रातों में से एक शबान की 15वीं रात है, जिसे हम शबे बरात के नाम से जानते हैं। आप लोग भी इस रात के बारे में जानते हैं, बच्चे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े फर्द तक हर कोई शबे बरात को बड़ी आसानी के साथ पहचान लेता है और जान जाता है कि ये रात बहुत ही बरकतों वाली रात। लेकिन इस रात में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस रात को सो कर गुजार देते हैं या आतिशबाजी करने में गुजार देते हैं और अल्लाह पाक की इबादत नहीं करते। अलबत्त वो बंदे बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं, खुशनसीब होते हैं जो इस रात को पा लेते हैं और इस रात की कदर करते हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब शबान की निस्फ रात आ जाए, आधी रात आ जाए, तो तुम उस रात में क्याम किया करो और उसके दिन के यानी 15वीं तारीख का रोजा रखा करो, इसलिए कि उस रात में अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने से लेकर फजर का सूरज तुलू होने तक बहुत ही करीब के आसमान पर नजूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं, क्या है कोई मुझसे रिज्क का तालिब कि मैं उसको रिज्क अता करूं, क्या है कोई ऐसा जो किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तिला हो कि मैं उसको आफियत अता करूं, क्या है कोई ऐसा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक बराबर ये आवाज देते रहते हैं, अपने बंदों को पुकारते रहते हैं, अपने बंदों को बुलाते रहते हैं कि क्या है कोई ऐसा, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है। तो नाज़रीन आज उसी रात के हवाले से हम आप लोगों को एक अमल बताएंगे इंशाल्लाह, जिसको पढ़ने से, जिसको करने से इंशाल्लाह आपकी हर तरह की हाजात और नेक ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकामात अंबिया कराम के पास लेकर आते हैं। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा है कि वो फरिश्तों में भी अपना पैगाम पहुंचाने वाला मुंतखब करता है और इंसानों में से भी अपना पैगाम पहुंचाने वाला मुंतखब करता है। आप सबको मालूम है कि हजरत जिब्राइल को तमाम फरिश्तों का सरदार कहा जाता है और हजरत जिब्राइल की बहुत ज्यादा फजीलत और शान बयान की गई है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे काम लगाया है बारिश बरसाने का, लोगों को रोजी अता करने का, यानी वो बारिश और रोजी का इंतजाम करते हैं। हजरत इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह को कब्ज करने पर मामूर हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई रखी हैं जो अपने अपने काम सर अंजाम देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शबे बरात की रात ही अगले साल का जो रिज्क होता है वो लिखा जाता है। ये भी लिखा जाता है कि किस इंसान की कितनी जिंदगी बाकी है और उसकी किस्मत में, उसके नसीब में क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। आइए अब अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं जो आपने शबे बरात की रात को करना है। शबे बरात की रात आपने पाक साफ होकर नहा धोकर अपने घर में या मस्जिद में बैठ जाएं, पाक और साफ जगह पर बैठ जाएं, जाए नमाज पर बैठ जाएं और कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत है सूरा अल आराफ, आपने वो सूरा मुबारक खोल लेनी है, अपने सामने रख लें और फिर उस सूरा मुबारक की आयत नंबर 10 आपने करना ये है कि उस सूरत मुबारक की आयत नंबर 10 की तिलावत करनी है। कमो बेश 2 से 3 तस्बीह लाजमी उस आयत की तिलावत करें।
بہت ہی پیاری آیت ہے، جب آپ دو سے تین تسبیح، چار تسبیح، پانچ تسبیح، جتنی آپ میں ہمت ہو اس کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، دلی خواہش کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ یہ رات بہت ہی برکتوں والی رات ہے، اس عمل کو آپ لوگ خود بھی اپنے لیے کریں اور اپنے تمام دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس رات کو خوب عبادت کیجیے گا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔